आप इन मशहूर कॉमेडियन को तो डेफिनेटली पहचानते होंगे। ये एक्टर राइटर नीरज वोरा है। कई फिल्मों में आपने इन्हें देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 10 महीनों से ये कहाँ हैं? कई लोगों को ये सुनकर अचानक झटका सा लगा जब पता चला कि पिछले 10 महीनों से नीरज वोरा कोमा में है। एक दोस्त के घर पर ही नीरज की देखभाल की जा रही है। 10 महीने पहले अचानक दिल्ली में शूटिंग के वक्त नीरज को ब्रेन स्ट्रोक आया और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनके मुंबई में फिल्मी दोस्त फिरोज नाडियाडवाला उन्हें अपने घर ले आए, क्योंकि नीरज के परिवार से कोई उनकी देखभाल को था ही नहीं। जी हाँ, अब पिछले 10 महीने से नीरज वोरा फिरोज नाडियाडवाला के ही एक बंगले में कोमा में पड़े हैं। नीरज की देखभाल करने के लिए एक नर्स और एक केयर टेकर है। नीरज वोरा की ये हालत हैरान करने वाली है, लेकिन अब सच यही है। फिल्मी पर्दे पर अपनी कॉमेडी से सबको हंसने हंसाने वाले नीरज वोरा पिछले 10 महीनों से एकदम खामोश कोमा में पड़े हैं। नीरज को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि वो पिछले 10 महीने से जागे ही नहीं और दुनिया आगे भागती जा रही है। नीरज वोरा को जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उस वक्त वो अक्षय कुमार के साथ हेरा फेरी 3 के लिए काम कर रहे थे। नीरज के कोमा में जाने के बाद हेरा फेरी 3 भी लटकी पड़ी है। इस बेदर दुनिया में नीरज के ब्रेन स्ट्रोक और कोमा में होने की खबर के बाद अब उनका परिवार भी उनके साथ नहीं है। नीरज की देखभाल बस उनके दोस्त ही कर रहे हैं और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब नीरज वोरा कोमा से जागे और स्वस्थ होकर अपनी बाकी की जिंदगी जिए। हम भी नीरज वोरा के जल्द रिकवर होने की दुआ करते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।